हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त साहिल आज कर रहा हूँ मी नाइन में पबजी का टेस्ट जो मैं खेलूँगा नियर अबाउट 3 घंटे। साथ में हम करेंगे इसके हीटिंग टेस्ट। तो अभी आप टेम्परेचर देख सकते हैं, नियर अबाउट 22 डिग्री है और फ्रंट में भी 22.4 डिग्री। तो ज़्यादा हीटेड अप फ़ोन नहीं है। हम देखेंगे कितनी बैटरी कंज्यूम करता है। मेरे फ़ोन की बैटरी है 100% और मैं चाइनीज़ वर्जन पबजी खेल रहा हूँ क्योंकि मैं रहता हूँ चाइना में। ब्राइटनेस मैंने 100% कर दी है और मैं यहाँ स्टॉप वॉच चला रहा हूँ। तो स्नैपड्रैगन 855 के साथ ये आता है, ऑक्टा कोर 2.84 GHz और 7 nm का चिपसेट। तो मेरे हिसाब से लैग नहीं करना चाहिए फ़ोन क्योंकि प्रोसेसर बहुत तेज़ है। हम ग्राफिक्स देखते हैं, ग्राफिक्स हम यूज़ कर सकते हैं अल्ट्रा HDR, अल्ट्रा HD में नहीं खेल सकते। तो मैं खेलूँगा 5 से 6 मैच या ज़्यादा मैच। 3 घंटे का मेरा एस्टिमेट है खेलने का कि मैं 3 घंटे तक खेलूँ और देखूँ कितनी बैटरी कंज्यूम होती है। तो डिस्प्ले है एमोलेड और जो काफ़ी बढ़िया लग रही है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो आप इस गेम में वीडियो में मैं ज़्यादा 3 घंटे तो दिखा नहीं पाऊँगा, तो मैं बस क्लिप्स दिखाऊँगा थोड़े थोड़े क्योंकि 3 घंटे की वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। तो अभी तक गेम बहुत स्मूथ चल रही है, अभी स्टार्ट ही हुई है, मगर मुझे डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया लगी एमोलेड। और यहाँ है कोई पास में हमारे कोई बंदा, कहाँ गया? तो इस वीडियो में आप मेरी परफॉर्मेंस मत चेक कीजिए, मैं बहुत बढ़िया प्लेयर नहीं हूँ। मैं बस फ़ोन की परफॉर्मेंस दिखाना चाहता हूँ कि फ़ोन कैसा परफॉर्म करेगा। तो इसलिए आप लोग कमेंट्स में मत कीजिए कि मैंने बॉट मारा, मैंने बहुत बेकार प्लेयर हूँ मैं। तो उसको इग्नोर कीजिए, आप गेम की परफॉर्मेंस देखिए कि लैग करता है, फ़ोन हीटेड अप होता है और कितनी बैटरी कंज्यूम करता है। तो मुझे एक किल मिल चुकी है लकीली, तो मैंने थोड़ा स्किप किया, वहाँ पर कुछ था नहीं ज़्यादा। तो यहाँ हम चला रहे हैं बाइक, आप देख सकते हैं डिस्प्ले कितनी बढ़िया लग रही है। और मनलब काफ़ी टाइम हो गया है, नहीं अबाउट 10 मिनट से ऊपर हो चुके हैं और फ़ोन ने अभी तक बिल्कुल भी लैग नहीं फेस किया, बहुत ही स्मूथ चल रही है। स्नैपड्रैगन 855 मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, मैं हर रोज़ इसमें खेलता हूँ और काफ़ी किल्स मिल रहे हैं मुझे। मे बी प्रोसेसर तेज़ है या मे बी मैं बढ़िया प्लेयर हो गया हूँ, वो नहीं मुझे पता, मगर मुझे बहुत मज़ा आ रहा है मी नाइन में खेल के। तो इस फ़ोन का गिव अवे भी चल रहा है, अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो आप गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है, उसमें गिव अवे की डिटेल्स ले सकते हैं। तो अगर आप लकी हुए तो आप जीत सकते हैं। तो कंडीशन भी बताई है उसमें गिव अवे की क्लियरली, तो आप उसमें से देख सकते हैं। बार बार मुझे मैसेज मत कीजिए भाई कब होगा रिज़ल्ट, तो उसमें क्लियरली सब कुछ लिखा है। तो यहाँ मिली मुझे दूसरी किल, तो मैंने मोस्टली किल्स ही दिखाई हैं अपनी जितनी मैंने किल्स की इस मैच में। और तीसरी किल, या तो फ़ोन बढ़िया है कि मेरी परफॉर्मेंस बढ़िया हो गई, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, मगर बहुत स्मूथ चल रहा है। अब देख सकते हैं 24 मिनट हो चुके हैं और बिल्कुल भी लैग नहीं फेस हुआ मुझे, बिल्कुल भी फ़ोन भी हीटेड अप फील नहीं हो रहा, बहुत स्मूथ चल रहा है। अभी तक इंडिया में स्नैपड्रैगन 855 नहीं आया, तो जब आएगा तो जो पबजी खेलते हैं उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है। वैसे मैंने वीवो आईक्यू भी ऑर्डर कर दिया है, वो नियर अबाउट 3-4 दिन में आ जाना चाहिए, अभी तक डिलीवर नहीं हुआ मेरे पास। वो एक तरह से गेमिंग फ़ोन उन्होंने बनाया है, तो वो भी स्नैपड्रैगन 855 के साथ आया है, तो उसकी भी परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया होगी। तो मैं वेट कर रहा हूँ उस फ़ोन की, क्योंकि मैं पबजी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं बहुत खेलता हूँ पबजी। चाइनीज़ वर्जन खेलता हूँ, ग्लोबल वर्जन नहीं खेलता क्योंकि चाइना में रहता हूँ। तो करके तो मुझे 6 किल मिल चुके हैं इस मैच में अभी तक, ने अबाउट 27 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस आ रही है। भाई अंदर आ जा। ये किसी ने मारा मुझे KAR से, भाग लो। तो कुछ प्लेयर रह गए हैं मैच में, लास्ट सर्कल है मेरे हिसाब से, सेकंड लास्ट है। ये एक बंदा जा रहा है आगे मेरे, हाँ। काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं ये ट्रिगर्स आप जो खेलते हैं कहाँ से यूज़ करते हैं। आप अमेजोन में इंडिया में मिल जाएंगे, आप L1 R1 ट्रिगर लिख के सर्च कीजिए, थोड़े महंगे हैं इंडिया में, नहीं अबाउट 400 के पास दिखाते हैं, चाइना में काफ़ी सस्ते हैं। चाइना में
डबल पेयर 200 का मिल जाता है ये डबल ट्रिगर, मगर इंडिया में थोड़े महंगे हैं, मगर मुझे आदत है इससे खेलने की, क्योंकि मैं मोस्टली PS4 खेलता था तो मैं इसमें कंट्रोलर यूज़ करता था, तो इस करके मैं ये यूज़ करता हूँ। तो कोई लेना चाहते हैं तो अमेज़ॉन पे इजीली मिल जाएंगे ये। तो एक बंदा रह गया है, देखते हैं वो कहाँ है, और मैच काफ़ी लंबा चल पड़ा है, नहीं वो 30 मिनट से ऊपर हो चुके हैं। तो वो रहा बंदा, मारते हैं इसको एक ग्रेनेड। होपफुली मर जाए। वाह, तो ये मैच हमने जीत लिया, मेरे लास्ट पीपल मैंने किल किया, तो मेरे को ऑप्शन मिलेगी चिकन लगाने की यहाँ पर। तो चाइना चाइनीज़ वर्जन में ये ऑप्शन आती है कि जो एंड में लास्ट किल करता है विनिंग में, तो उसको ये ऑप्शन आती है, और आप यहाँ से ये पटाखे पटुखे फोड़ सकते हैं। तो पहला मैच बहुत ही बढ़िया गया, मुझे नियरबाउट 7 से 8 किल मिले, और बिल्कुल भी लैग नहीं हुआ फ़ोन, आप देख सकते हैं, और बिल्कुल भी हीटेड अप नहीं हुआ। तो 8 किल मिले मुझे इस मैच में, नियरबाउट 35 मिनट्स हो चुके हैं, तो काफ़ी बढ़िया रही फ़ोन की परफॉर्मेंस। तो बैटरी देखते हैं इस फ़ोन की कितनी पड़ी है, एट्टी 85%, तो सिर्फ 15 मिनट 15% ही यूज़ हुई है बैटरी। तो मैंने अभी नेक्स्ट मैच लगा लिया है और 1 घंटा हो चुका है, तो एक बार इसका बैटरी फिर से चेक करते हैं कि 1 घंटे में कितनी बैटरी कंज्यूम हुई। तो बैटरी मेरी पड़ी है अपनी अबाउट 75%, तो 25% यूज़ हुई है 1 घंटे में, तो काफ़ी बढ़िया है। बैटरी इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, 3300 mAh की बैटरी है। मुझे था कि मेरे को 30 से 35 मिनट, क्योंकि मैं फुल ब्राइटनेस पे खेल रहा हूँ और ये गेम काफ़ी हैवी है जैसे आपको पता है, तो मेरे हिसाब से जल्दी होनी चाहिए थी कंज्यूम, मगर बढ़िया परफॉर्म कर रही है बैटरी। तो ये मेरा दूसरा मैच ही चल रहा है। यहाँ से बंदा मुझे काफ़ी मार रहा था, तो ये रहा वाओ। मुझे उसे M24 बहुत बढ़िया लगती है पबजी में। आपको कौन सी गन पसंद है, KAR98 या M24? मोस्टली लोगों को AWM ही पसंद है, मगर वो हमेशा मिलती नहीं है, तो M24 बेटर लगी मुझे। तो देखते हैं ये किल मिल पाएगी मुझे या नहीं मिल पाएगी। सर्कल हो रहा है छोटा, किल की वैसे लालच नहीं करनी चाहिए, मैं मोस्टली कर लेता हूँ और मैं वहाँ आउट हो जाता हूँ, मगर मज़ा आता है किल लेके। तो मेरे सारे टीममेट्स शहीद हो चुके हैं बेचारे, और मैं सर्कल के बाहर हूँ, अंदर जाना चाहिए मुझे, ना मरूँगा मैं। किल का लालच मुझे हर बार मरवाता है, और मुझे लग रहा है इस बार भी मरवाएगा। हाँ, यहाँ मैं होऊंगा आउट, तो एक किल मिल गई मगर लालच नहीं करना चाहिए जैसे हम कहते हैं। तो नंबर 4, 1 घंटा 11 मिनट, तो 2 मैच ही खेले हैं अभी तक मैंने, तो 1 घंटा 12 मिनट हो चुके हैं, काफ़ी लंबे मैच गए मेरे। तो मीटिंग टेस्ट कर लेते हैं एक बार, तो 1 घंटे में वाह सिर्फ 26 हो गया, 26.27 भी हो गया। तो 26.4 और यहाँ है 30.5, तो काफ़ी ठीक है, बिल्कुल भी हीटेड अप नहीं हुआ फ़ोन। आगे से भी देख लेते हैं, यहाँ है 32.3, तो बिल्कुल भी हीटेड अप नहीं हुआ फ़ोन। मेरे हिसाब से 30 टेम्परेचर नॉर्मल है, इतना तो हो ही जाता है, 35 टू 36, 40 अबव होता तो मैं कहता हीटेड अप है, तो मुझे नहीं लगा बिल्कुल भी हीटेड अप। तो ये मैंने लगाया है स्नो मैप इस बार, तो अभी तक बिल्कुल भी लैग नहीं हुआ फोन, बेस्ट चीज़ ये है। तो मैंने स्किप किया इतना, क्या बार बार आपको गेम प्ले दिखाऊं, तो नियर अबाउट 3 घंटे होने को आ गए हैं, और मैंने नियर अबाउट खेले हैं मैचेस 1 2 3 4 5, आप टाइम देख सकते हैं, अब टाइम आ रहा है 6 7,
तो 7 मैच खेले हैं मैंने टोटल ये 3 घंटों में, बढ़िया रहे। इसमें 4, 5, 6 किल मिले, 0 किल भी मिले, 8 किल, 7 किल, 5 किल, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है इस फ़ोन की। मेरी परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया नहीं होती थी, मुझे इतने किल्स मिल गए आज, मे बी स्नैपड्रैगन 855 का कमाल है। तो बैटरी चेक करते हैं, 3 घंटे, नियर अबाउट 3 घंटे हो चुके हैं और बैटरी पड़ी है नियर अबाउट 56%। वाओ, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी बैटरी ने, नियर अबाउट 42% यूज़ हुई है नियर अबाउट 3 घंटे में, तो मुझे बहुत बढ़िया लगी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो नेक्स्ट वीडियो में एक बार टेम्परेचर चेक कर लेते हैं, 3 घंटे में टेम्परेचर क्या है। आप देख सकते हैं फुल ब्राइटनेस है मेरे फ़ोन की, 30.6 डिग्रीज फ्रंट से, यहाँ पर भी नियर अबाउट 30 डिग्रीज ही है। तो बहुत बढ़िया फ़ोन है ये, Mi 9 फ्लैगशिप फ़ोन है शाओमी का, इंडिया में आना चाहिए, मुझे पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, और यहाँ सिर्फ 26। तो मेरे लिए बेस्ट फ़ोन है अभी तक का इस साल का, वैसे ज़्यादा महीने नहीं हुए। तो वीडियो बढ़िया लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।